नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कार्डिगन के लिए ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे। इसे बनाने के लिए 11 के मल्टीपल फंदे चाहिए, 4 फंदा एक्स्ट्रा। आप 11 11 करके ऐसे गिनेंगे तो लास्ट में 4 फंदा आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम डिज़ाइन बनाते हैं। मैं डिज़ाइन यहीं से बना रही हूँ, आप इसे पहली लाइन समझें। तो बॉर्डर बनाने के बाद ये पहला लाइन है, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और ये दूसरा फंदा, ये तीसरा फंदा, ये चौथा फंदा है। तो तीसरे और चौथे फंदे के बीच में, यानी दो फंदों को छोड़ देंगे और तीसरे और चौथे फंदे के बीच में सिलाई डालेंगे। यहाँ पे हमने किसी फंदे में नहीं डाला है, दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में जो स्पेस है उसमें सिलाई डाला है और एक फंदा ऐसे लूप ले लेंगे। यहाँ पे एक फंदा बन गया। अब ये दूसरा और तीसरा जो फंदा, दो फंदा जो बचा हुआ है, इन दोनों फंदों को हम बैक साइड से सीधा फंदा बना लेंगे। अब हमारे वापस यहाँ पे दो फंदे हो गए और अब दो फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। उसके बाद चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार। उसके बाद फिर दो फंदों को छोड़ देंगे, दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में सिलाई डालेंगे और एक फंदा बना लेंगे। अब इन दो फंदों को बैक साइड से एक सीधा फंदा बना लेंगे। हमारे पास वापस दो का दो हो गया और अब उन आगे करेंगे और अगला फंदा जाली देते हुए सीधा आना है। फिर से देखिए, दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में सिलाई डालेंगे, एक फंदा निकालेंगे, फिर इन दोनों फंदों को बैक साइड से एक सीधा फंदा बना लेंगे। उसके बाद दो फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार। फिर जैसे हमने यहाँ पे दो फंदों के साथ किया है, फिर हम यहाँ पे फिर से उसे दोहराएंगे। दो फंदों को छोड़ देंगे और दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में सिलाई डालेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर इन दोनों फंदों को बैक साइड से एक सीधा फंदा बना लेंगे, उतार लेंगे। अब चूंकि यहाँ पे हमने एक फंदा दो का एक किया है, यानी एक फंदा घट गया है, इसलिए उन अपनी ओर करेंगे और जाली देके एक सीधा फंदा बना लेंगे। हमारा यहाँ पे एक फंदा दो का एक किया था और यहाँ पे हमने एक जाली दिया, तो वापस हमारे पास 11 फंदे हो गए। फिर इसी क्रम को हमें दोहराना है। दो फंदों को छोड़कर दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में सिलाई डालेंगे, एक फंदा निकालेंगे और फिर इन दोनों फंदों को बैक साइड से एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर चार फंदा सीधा, तीन चार। अब जो हमने यहाँ पे किया है वैसे ही हमको वहाँ पे फिर से करना है। दो फंदों को छोड़ देंगे, दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में सिलाई डालेंगे, एक फंदा निकालेंगे, फिर इन दोनों फंदों को पीछे से बैक साइड से एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। यहाँ पे हमने दो का एक किया था और यहाँ पे हम एक जाली देंगे तो एक फंदा बढ़ गया। यहाँ पे एक फंदा घटा था और यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया, तो हमारे पास वापस 11 फंदे हो गए। और फिर इसी पैटर्न को हम बनाते चले जाएंगे, लास्ट फंदा सीधा और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। थर्ड रो और फ्रंट साइड पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर दो फंदे के बाद सिलाई डालेंगे और एक लूप निकालेंगे, फिर इन दोनों फंदों को बैक साइड से एक सीधा फंदा बना लेंगे।
दो फंदा वापस हो गया। अब फिर दो फंदों को हम एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे, दो का एक किया। फिर तीन फंदा सीधा, पहले यहाँ पे चार फंदा था, दो का एक करने से एक फंदा घट गया, अब यहाँ पे तीन फंदा रह गया। फिर दो फंदों को छोड़ के तीसरे और दूसरे और तीसरे फंदे में हम सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, फिर इन दोनों फंदों को बैक साइड से एक सीधा फंदा बना लेंगे। अब यहाँ पे हमने जाली डाला है, इसी के ऊपर एक और जाली डालेंगे, उन अपनी ओर करेंगे और इन दोनों फंदों को सीधा बुन देंगे, यानी जाली डालते हुए दो फंदा सीधा। फिर दो फंदे के बाद हम सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे और इन दोनों फंदों को बैक साइड से एक सीधा फंदा बना लेंगे। दो फंदों को लेके एक फंदा सीधा बना लिया, फिर तीन फंदा सीधा, फिर इन दोनों फंदों को बीच में ऐसे सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे और इन दोनों फंदों को बैक साइड से एक सीधा फंदा बना लेंगे। और यहाँ पे हमें फिर जाली डालना है, इसलिए उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को जाली डालते हुए सीधा बना देंगे, एक बुन लिया, दो बुन लिया। केबल बनाना है, फिर दो फंदों को एक साथ लेके एक सीधा फंदा बनाना है, फिर तीन फंदा सीधा, फिर ये केबल बनाना है और जाली डालते हुए दो फंदों को सीधा बुन लेना। ऐसे ही हमें पूरी लाइन में दोहराना है और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। फिफ्थ रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर दो फंदा छोड़ के दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में सिलाई डालेंगे, एक लूप बनाएंगे, फिर इन दोनों फंदों को बैक साइड से एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे, दो का एक कर लिया। यहाँ पे हमारा फंदा घटना शुरू हो गया है, देखिए। अब यहाँ पे पहले चार फंदे थे, अब यहाँ पे सिर्फ दो फंदे रह गए हैं। और फिर इन दो फंदों को छोड़ के दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे और इन दोनों फंदों को बैक साइड से एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर यहाँ पे हमें जाली देना है, उन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदा जाली देते हुए सीधा बनाएंगे, एक दो और तीन। यहाँ पे फंदा घट रहा है और यहाँ पे फंदा बढ़ रहा है, मतलब फंदा एज स्टिच है। और इन्हीं 11 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है, रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। रॉन्ग साइड से हर लाइन में सभी फंदे उल्टे ही बुने जाएंगे। सेवेंथ रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, दो फंदे के बाद सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे और इन दोनों फंदों को बैक साइड से एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर दो फंदे को एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे और फिर एक फंदा सीधा। फिर दो फंदे के बाद सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे और फिर इन दोनों फंदों को बैक साइड से एक सीधा फंदा बना लेंगे। और फिर यहाँ पे हमें जाली देना है, तो उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए चार फंदा सीधा बनाएंगे, एक दो तीन चार। देखिए यहाँ पे फंदा घटा है और यहाँ पे फंदा बढ़ा है। और इन्हीं 11 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है, दो फंदे के बाद सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, फिर इन दोनों फंदों को बैक साइड से एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, दो का एक किया, एक फंदा सीधा। फिर दो फंदे के बाद सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे और इन दोनों फंदों को बैक साइड से एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार।
इन्हें 11 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। तो मैं इसे पूरा करके दिखा रही हूँ और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। नाइन्थ रो और फ्रंट साइड पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर दो फंदे के बाद दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, फिर दूसरा और तीसरा फंदा पीछे से एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे, दो का एक किया। अब फिर अगले दो फंदों को छोड़ के दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में सिलाई डालेंगे, देखिए, और एक लूप निकालेंगे, फिर दूसरा और तीसरा फंदा यहाँ पे लूप निकालेंगे, फिर इन दोनों फंदों को बैक साइड से एक सीधा फंदा बना लेंगे। और अब यहाँ पे ऊन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए पांच फंदा सीधा बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। इन्हीं 11 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 11 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे और फिर दो फंदों को एक साथ लेके एक सीधा फंदा बना लेंगे, और फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर अगला दो फंदा छोड़ के दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, फिर इन दोनों फंदों को बैक साइड से एक सीधा फंदा बना लेंगे। और अब यहाँ पे हमें एक जाली डालना है, यहाँ पे हमने एक फंदा घटाया है और यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ाएंगे, तो जाली डालते हुए पांच फंदा सीधा। इन्हीं 11 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है और रॉन्ग साइड से सभी फंदा उल्टा बनाना है। अब हम अपने डिज़ाइन के बीच पोर्शन पे आ गए हैं। अभी तक हमने यहाँ पे फंदे घटाए हैं। पहले हम पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर इन दो फंदों के बाद सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर इन दोनों फंदों को पीछे से सीधा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। और अभी तक हम यहाँ पे दो का दो फंदे को एक फंदा बनाते चले आए हैं, यानी एक फंदा यहाँ पे अब तक घटा है। और अब हम यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे, इसलिए ऊन अपनी ओर करेंगे और अगला फंदा जाली देते हुए सीधा। फिर हमको यहाँ पे केबल बनाना है, तो दो फंदे के बाद सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, फिर इन दोनों फंदों को रॉन्ग साइड से बैक साइड से एक सीधा फंदा बना लेंगे। और अभी तक यहाँ पे हमने फंदे बढ़ाए हैं, यानी ये केबल के बाद एक जाली पड़ती रही है, तो अब हमको यहाँ चेंज करना है। अब हमें यहाँ पे दो फंदों को एक साथ लेके एक सीधा फंदा बनाना है। जो चीज़ हम यहाँ करते रहे हैं, अब वो हमको यहाँ पे करना है। तो फिर चार फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर यहाँ पे हमको केबल बनाना है, तो दो फंदे के बाद सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे और फिर इन दोनों फंदों को बैक से एक सीधा फंदा बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे फंदे घटते रहे थे, तो अब हम यहाँ पे फंदे बढ़ाएंगे। इसके लिए ऊन अपनी ओर करेंगे और अगला फंदा जाली देते हुए सीधा। फिर यहाँ पे हमको केबल बनाना है, इसके लिए दो फंदे के बाद सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, फिर इन दोनों फंदों को बैक साइड से एक सीधा फंदा बना लेंगे। और यहाँ पे देखिए जाली पड़ता रहा है, तो अब हम इन दोनों को यहाँ पे दो फंदों को एक साथ लेके एक सीधा फंदा बना लेंगे, यानी यहाँ पे एक फंदा घट जाएगा और फिर चार फंदा सीधा।
इन्हीं 11 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। यहाँ पे केबल बनाने के बाद 2 का 1 किया गया है, फिर 4 फंदा सीधा, फिर यहाँ पे केबल बनेगा और यहाँ पे जहाँ फंदा घटता रहा है अब वहाँ जाली बनेगा, फिर ये केबल, फिर 2 फंदे का 1 करेंगे, 4 फंदा सीधा, फिर केबल बनाएंगे और लास्ट फंदा सीधा और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। 13वीं लाइन और सामने से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर यहाँ पे हमको केबल बनाना है तो 2 फंदे के बाद सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे और इन दोनों फंदों को बैक साइड से एक सीधा फंदा बना लेंगे। अब हमको यहाँ पे जाली डालना है तो ऊन अपनी ओर करेंगे और इन दोनों फंदों को सीधा बुन लेंगे, जाली देते हुए सीधा बुन लेंगे। अब फिर यहाँ पे हमको केबल बनाना है तो 2 फंदे के बाद सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे और फिर इन दोनों फंदों को बैक साइड से एक सीधा फंदा बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने जाली डाला है और अब यहाँ पे हमको इसको घटाना है तो 2 फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बना लेंगे, उसके बाद 3 फंदा सीधा। देखिए यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गया है और यहाँ पे घटना शुरू हो गया है। इन्हीं 11 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। 2 फंदे का केबल बनाएंगे, और फिर जाली देते हुए 2 फंदा सीधा, फिर केबल बनाएंगे और फिर 2 फंदे को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे और फिर 3 फंदा सीधा। इन्हीं 11 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। 15वीं लाइन और सामने से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर 2 फंदे का केबल बनाएंगे और फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए 3 फंदा सीधा बनाएंगे। देखिए यहाँ पे पहले एक जाली बना है, फिर 2 जाली बना है, हर जाली के साथ एक एक फंदा बढ़ता जा रहा है तो ये हमारा 3रा जाली है और जाली देते हुए 3 फंदा सीधा बनाएंगे, फिर 2 फंदे का केबल, फिर यहाँ पे हमको यहाँ पे हमने जाली बढ़ाया है, एक फंदा बढ़ गया है इसलिए यहाँ पे अब हमको एक फंदा घटाना पड़ेगा तो 2 फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे और फिर 2 फंदा सीधा। इन्हीं 11 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। 2 फंदे का केबल बनाएंगे, फिर जाली देते हुए 3 फंदा सीधा, फिर 2 फंदे का केबल, फिर 2 फंदे को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना देंगे और फिर 2 फंदा सीधा। इन्हीं 11 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। 17th रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर 2 फंदे का केबल बनाएंगे और फिर हम यहाँ पे 3 जाली बन गया है, हमको 5 जाली तक बनाना है तो चौथी जाली ये है, 4 फंदा सीधा, फिर 2 फंदे का केबल और यहाँ पे 2 फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे और फिर 1 फंदा सीधा। इन्हीं 11 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। 2 फंदे का केबल बनाना है, फिर उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए 4 फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, फिर 2 फंदे का केबल,
फिर दो फंदे को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे और एक फंदा सीधा। इसी तरह बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। 19वीं लाइन और सामने से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर दो फंदे का केबल बनाएंगे, फिर जाली देते हुए पांच फंदा सीधा बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, फिर दो फंदे के बाद सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे और इन दोनों फंदों को बैक साइड से एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना देंगे। यहाँ पे फंदे बढ़ते हुए छः हो गए हैं। यहाँ पे हमने पांच जाली बनाई है, एक फंदा पहले से था तो पांच जाली बनने से पांच फंदे बढ़ गए हैं और यहाँ पे छः फंदा हो गया है। और यहाँ पे छः फंदा था तो घटते हुए पांच लाइन में, पांच सीधी लाइन में घटते हुए फंदा एक हो गया है। इन्हीं 11 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। दो फंदे के बाद सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे और इन दोनों फंदों को बैक साइड से एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और पांच फंदे को सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच, फिर दो फंदे का केबल बनाएंगे और दो फंदों को एक साथ लेके एक सीधा फंदा बना लेंगे। इन्हीं 11 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। 20 लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और इन्हीं 20 लाइनों को दोहराने से डिज़ाइन अपने आप बनता चला जाएगा। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।